नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी आज भी निफ्टी जो है 15,800 के लेवल को कहीं ना कहीं टच करके वापस लौट रही। देखिए 15,800 के लेवल को ना यहाँ कहीं ना कहीं ये स्टेबल नहीं हो पा रही है निफ्टी। रीज़न क्या है कि इस पे यदि स्टेबल होकर आगे यदि बढ़ती है निफ्टी तो 100% निफ्टी में एक कहीं ना कहीं बुल रन आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर बना हुआ ना, निफ्टी में 100% एक गिरावट दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सेंटिमेंट है, मुझे लगता है जल्दी ये निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है, तो इसलिए संभल के चलें। आगे बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट से कैसे 25,000 रुपये पर मंथ की इनकम ली जा सकती है। उसका सिंपल सा फार्मूला है कि म्यूचुअल फंड में एक प्लान है SWP, और आपको बता दें एक म्यूचुअल फंड है जो 1998 में लॉन्च हुआ था। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, देखिए क्वांट मिड कैप फंड जैसे है ना, एक्सेस का म्यूचुअल फंड है, मिराए का म्यूचुअल फंड है, ICICI का है, उसी तरीके से क्वांट भी एक AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। क्वांट मिड कैप, देखिए यहाँ पे लिखा है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस या मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड मार्च 1998। अभी टोटल काउंट करेंगे ना तो 24 साल होगा इसको लॉन्च हुए, जो कि अब 24 साल पुराना है। इसे वैल्यू रिसर्च के साथ साथ क्रिसिल ने भी 5-स्टार रेटिंग दी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इससे भी कई गुना अच्छे अच्छे फंड आज के मार्केट में है। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इस फंड को उठा के मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए 24 साल हो गए। इस 24 साल में यदि आपने थोड़ा सा अमाउंट डाल के यदि वहाँ से हर महीने पैसा निकालना शुरू किया होता सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत, पेंशन प्लान के तहत, या तो एक बेहतरीन लाइफ भी होती। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वांट मिड कैप फंड आपके सामने यहाँ पे है। एक सबसे बड़ी चीज़ और है, बहुत सारे यूट्यूब पे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो डायरेक्ट प्लान के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी तरीके से रेगुलर प्लान के बारे में ही बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल यूट्यूबर को मैंने देखा है, तो इसलिए प्लीज़ आप कोई भी म्यूचुअल फंड लें तो उसमें डायरेक्ट जाएं, और उस म्यूचुअल फंड में कई बहुत सारी चीज़ें सेंटिमेंट होती है उसको भी आपको देखना होता है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे इस फंड को मैं रख रहा हूं। इसमें बिल्कुल कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि इससे भी बेहतरीन म्यूचुअल फंड अभी मार्केट में है। लेकिन थोड़ा सा आप एग्जांपल के रूप में देखिए कि मैंने यहाँ पे आल लगा रखा है, तो आल लगाने पे इस फंड ने 15.63% का CAGR दिया है, एनुलाइज रिटर्न, मतलब कि 15.5% से ज़्यादा का CAGR है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न है। आप सोचो ना, इस फंड को 24 साल हो गए हैं और इसकी अभी 121 रुपये पर चल रही है, 5-स्टार रेटिंग है, लेकिन फंड का साइज मात्र 510 करोड़ है। इस फंड में कतई मत जाइएगा, मैं सिर्फ एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि इस फंड में यदि आपने 24 साल पहले आपने 40 लाख रुपए डाल दिए होते, लमसम उठा के 40 लाख रुपए डाले होते 1998 में और मार्च में ही जब ये फंड आया था, और हर महीने उसके अगले महीने 25,000 रुपये यदि आप निकालना शुरू कर दिए होते, और ये फंड अभी आपको दे रहा है 15.63% का रिटर्न, 24 साल तक कंटिन्यू निकालते, तो ये फंड आपका कितना हो जाता आज के डेट में। देखिए आज के डेट में यदि आप देखेंगे तो ये फंड, देखिए 25,000 रुपये पर मंथ निकालते तो 24 साल में आप 72 लाख रुपये निकाल लेते। आपने डाला कितना था, 40 लाख, 72 लाख निकाल लेते। उसके बावजूद आज के डेट में यदि आप मार्केट गिरावट है, यदि आज के डेट में यदि आप कहीं ना कहीं रिडीम करते अपना पूरा पैसा निकालते ना, तो अभी आपको 6,46,80,839 रुपये मिलते, 6,46,000। तो सोचिए टोटल आपका अमाउंट कितना रिटर्न होता, 6,78,80,000। इसमें देखिए एक टैक्स भी बनेगा, और टैक्स भी बचाने के भी कई रास्ते होते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। यदि इसी फंड में यदि आप 40 लाख न डाल के मात्र सिर्फ 25 लाख ही केवल डाल दिए होते, लमसम एक बार 25 लाख डाल के हर महीने 25,000 अगले महीने से निकालना शुरू किए होते, और 15.63% के CAGR से ही एक, क्योंकि ग्रोथ कर रहा था ये फंड, और 24 साल के लिए होल्ड करते अभी तक, तो ये अभी आपको क्या रिटर्न मिलता वो भी आप देख लीजिए। आपको अभी 72 लाख रुपए तो आप निकाल लिए होते इन 24 सालों में, हर महीने 25,000 के हिसाब से यदि आप देखें तो एक साल में आपने 2.5 लाख निकाला, 10 साल में आपने 25 लाख निकाला, इस हिसाब से 24 सालों में आपने 72 लाख निकाल लिया। उसके बाद में भी वो 25 लाख कितना हो गया आप सोचो ना, देखो ना यहाँ 1.5 गुना हो रहा है, ये पैसा आपका 6 गुना हो रहा है। 25 लाख 1,57,27,325 रुपये मिलता, वो 25 लाख रुपये, तो ज़बरदस्त है। ऐसे SWP के तहत एक अच्छी इनकम ली जा सकती है। लेकिन कहीं से भी इस फंड में आपको जाके कहीं जो क्वांट मिड कैप फंड है इसमें जाके आपको नहीं SWP करना, इससे भी बेहतरीन प्लान है जिसमें हम जाके हम लोग कर सकते हैं। यदि चाहते हैं कि आपको अच्छी गाइडेंस मिले तो
तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही म्यूचुअल फंड में एंट्री के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए और SWP प्लान लेने के लिए आप मेरे से एडवाइस ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।